Parah itu guru itu. ये चाची जी का बताना तुतु साहब है जो कि रसल सेंड वो आप देखते हैं आइए सामने तुतु साहब बोले तो मत आप कहाँ पर है ये ऐसे ऐसे उठा के चाहिए बांस का है वो हवा में गया है। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं ये जो है एक बम्बू बांस का जो गांव देहात में ये ज्यादातर होता है और ये जो है अंधड़ में जो है ये पलटी मारा और इसी का थोड़ा दिखाइएगा सामने से दोस्तों इसी का अंदर में कोई अब रुकिए सामने से देखने से पता चलेगा। हाँ हाँ ये जो है एक अजगर सांप है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये जो है एक सही में अजगर सांप है और माता जी का कहना था ये जो है थूथुर सांप है लेकिन थूथुर नहीं है अजगर सांप जो कि इसमें बिल्कुल ही जहर नहीं पाया जाता है। चलिए पहले इसको हम लोग निकालते हैं उसके बाद आप लोग को इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी देते हैं। भीतर बड़े ढुकले जी तो हरि बाप विराट 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 हो विराट अरे अरे उधर निकल रहा उधर जाइएगा उधर देखिए तो उधर जा रहा है। तो दोस्तों इधर जो है वो आ गया है तो देखिए दोस्तों इसका माउथ का आप लोग ये जो है एक आवाज भी निकल रहा है काफी ज्यादा गुस्से में है। हाँ देखिए चलिए पहले इसको निकाल लेते हैं हम लोग बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में और ये निकलना नहीं चाह रहा इसको निकालने दीजिए पहले तो दोस्तों ऐसा ही जगह में जो है ये फंस चुका है निकलना नहीं चाह रहा देख रहे हैं चारों तरफ जो है बम्बू बांस का और इसी का बीच जो है ये बैठ गया है। उधर जा रहा उधर जा रहा जाते थे जाते थे चाहते थे उधर चल जाओ पारा ऐसे के पूरा है। तो दोस्तों काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में पूरा फंस गया ये। हाँ पानी मंगाइएगा थोड़ा पानी तो दोस्तों ये जो है निकलना नहीं चाह रहा अभी पानी इसका ऊपर डालते हैं। बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ा पूरा फंस गया। चलो चलो ये स्ट्रिक्ट नहीं है इसमें तो धीरे 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 धीरे
ये तो काफी ज्यादा मेहनत के बाद ये जो है पकड़ाया। वहाँ पर बांस का जो बम्बू का पेड़ होता है बांस का, उसी में जो है ये फंस गया था पूरा। अभी जो है बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। दोस्तों अजगर सांप में जहर नहीं होता, ये जो है अगर एक बार किसी को बाइट किया तो लगभग 150 से 200 ग्राम मांस ले लेगा उस जगह से, उस स्थान से। और अजगर सांप जो है बहुत ही ज्यादा ताकतवर सांप होता है, ये किसी भी शिकार को पकड़ता है अपना बल से उसको पहले लपेट के मार देता है, उसके बाद धीरे धीरे निकल जाता है। देखिए कौन बोल रहे थे ये जो है मुर्गी खा गया। तो गांव वालों का कहना है ये जो है वर्षों से इधर मुर्गी खा रहा था, सबका एक एक मुर्गी डेली गायब हो रहा था। दोस्तों काफी ज्यादा ये जो है गंदा आ गया था, पूरा वहां पर पानी डालना पड़ा जिसके बाद ये निकला। इसका मुंह में जो है 60-70 दांत होता है, जिसके कारण ये जो है किसी भी शिकार को अगर पकड़ता है उसको छोड़ता ही नहीं है। वहां से जो है धीरे धीरे उसको पहले मार लेगा लपेट के, उसके बाद धीरे धीरे निकल जाता है। सबसे शक्तिशाली सांप होता है अजगर सांप, ये जो है इसका अंदर जहर नहीं पाया जाता है, बिल्कुल ही नॉन वेनमस स्नेक होता है। इसका तो विष है? नहीं नहीं, इसका विष नहीं होगा। कितना होगा? 6 फीट, 6.5 फीट है, लगभग 6.5 फीट के आसपास है। ये अंडा देता है और लगभग एक साथ लगभग 40-45 अंडा देता है। धीरे धीरे जैसे ही वो जो है 30 दिन के बाद अंडा से बच्चा निकलना चालू होता है, उसके बाद जो है ये अपना उस जगह से भाग जाता है और वो बच्चा लोग एक दूसरे का इधर उधर नेचर में घूमते फिरते रहते हैं। ऐसा सांप जो है बिल्कुल ही जहरीला नहीं होता, इसको बिना कभी भी बेवजह मारे नहीं। और ये कोयराटड़ ग्राम है, गाँव वासी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, ये लोग मारा नहीं, सांप को बचाने का काम किया, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे ही आप लोग भी सांपों को मारे नहीं। थोड़ा टानिएगा ना, कोई एक आइएगा वही ले लीजिए। ये जो है केचुली छोड़ चुका है, इसीलिए बहुत ही ज्यादा शराबनेस है। केचुली मतलब ये लोग अपना चमड़ा को छोड़ता है, जब जब दोस्तों ये सांप बड़ा होता है तब तब अपना स्किन को उतारता है केचुली को। अभी सबका कहना है हंस मुर्गी सब खाया है ये। का सजा दीजिएगा इसको, बोलिए। देखिए सामने से दिखाइएगा थोड़ा। दोस्तों ये सब जो देख रहे हैं ये जो है सांप का पैर होता है, स्केल बाय स्केल। ये जब जब जमीन में टच करता है ये जो है खुल जाता है और मूवमेंट लेता है। देखिए ये स्केल बाय स्केल होता है, समझ लीजिए यही सांप का पैर है, स्केल है। और सांप जो है कभी भी सीधा नहीं चलता है, जब भी चलेगा ये अपना लेफ्ट राइट टेढ़ा होकर चलता है, ताकि इसको जो है और ज्यादा उसमें चलने में आसान होता है। देखिए इसका माउथ को आप लोग देख के पहचान सकते हैं, रेड कलर का होता है। और बहुत लोग बोलते हैं थूथर सांप, जो बांडू सांप होता है गांव देहात में, लेकिन ये जो है अजगर का पहचानने का तरीका है। देखिए इसका माउथ में रेड होगा और आंख का पास ठीक इधर, जैसे बहुत लोग काजल लगाते हैं उसी प्रकार यहाँ पर निशान होता है। दोस्तों जब भी ये अपना शिकार को पकड़ता है पूरा इसका माउथ जो है 180 डिग्री खुल जाता है, धीरे धीरे उसको निगल जाता है। अपना शरीर का मोटाई से लगभग 3 गुना किसी भी प्राणी को निगल सकता है। जैसे इसका मोटाई अभी दिखाइएगा, इसका मोटाई है इतना, इसका 1:3 लगभग एक कोई भी बड़ा सा मुर्गी, बत्तख, लोमड़ी का बच्चा, खरगोश का बच्चा को आराम से निगल सकता है। बच्चा बोल रहे, खरगोश बड़ा खरगोश को भी निगल लेगा ये। देखिए
इसी का सब दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी बेजुबान जीवों को बचाते हुए। तब तक के लिए हमारे चैनल पर अगर नए देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में बेल बटन को भी दबा ले ताकि हर वीडियो आते रहे। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और सांपों से दूर रहें। जय हिंद।